आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। जांजगीर चांपा जिला के मालखुर्दा सीएससी अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घोघरी में 2 दिनों के कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान में रिकॉर्ड टीका लगा। हम आपको बताते चलते हैं कि यहां कई दौर से मितानिनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, शिक्षक गण के साथ ही साथ ग्राम सरपंच के अगुवाई में पंचों व पंच प्रतिनिधियों ने घर घर जाकर लोगों को कोविड टीका लगाने के लिए लोगों को प्रेरित कर बखूबी टीका लगवाए हैं। कल के महाअभियान में प्रथम व द्वितीय डोज मिलाकर 55 लोगों को टीका लगा। वहीं आज दूसरे दिन बचे खुले 32 लोगों को टीका लगाई गई, जिसमें 12 प्रथम डोज था तो 20 द्वितीय डोज का टीका लगा है। यहां बताना उचित होगा कि 7 लोगों ने सीधी तरह टीका लगाने से इनकार कर सरकार एवं पंचायत के दिशा निर्देश को मानने से इनकार कर दिया। वहीं लगभग 2 दर्जन लोग कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं तो आधा दर्जन के लगभग महिला गर्भवती होने का हवाला देकर टीका लगाने से इनकार कर दिया। इस हिसाब से देखा जाए तो घोघरी का टीकाकरण ब्लॉक में सबसे बेहतरीन माना जा सकता है। टीकाकरण में कोई टीम का साथ दे रहे सरपंच प्रतिनिधि ने कहा कि जो लोग शासन के कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करने व शासकीय योजनाओं से इन्हें वंचित करने के लिए प्रस्ताव पारित कर विधि सम्मत जनपद CEO के पास प्रतिवेदन भेजने की बात कही गई है। साथ ही ग्राम में कोई कोरोना से ग्रसित होता है तो इन्हीं लोगों के ऊपर जवाबदारी मरने की बात कही गई है। आइए खबर को विस्तार से जानने के लिए देखते हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में चैनल हेड योगेश के साथ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।